तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्टेपिन ऐप से आप लोग कैसे विड्रॉ कर सकते हैं इंडियन रुपीस के अंदर। कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास 33.27 जीएसटी पड़ी हुई है, और इसको मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इंडियन रुपीज यानी INR के अंदर कैसे आप लोग विड्रॉ कर सकते हो, और उसके बाद उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, और फिर तो आप ही का है पैसा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जीएसटी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 600 या 500 रुपए के आसपास ही कुछ मिल पाएगा, हो सकता है 400 मिले। ठीक है, बट पैसे की बात नहीं, आज हम लोग खाली विड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितनी भी जीएसटी हो सकती है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस जगह पर टैप करना है। इस जगह पर टैप करने के बाद अभी आपकी जो जीएसटी है ना, वो स्पेंडिंग वॉलेट में देख सकते हैं पड़ी है। यहाँ पे जीएसटी 33.27 स्पेंडिंग वॉलेट में है। अब स्पेंडिंग वॉलेट से आपको क्या करना होता है, जीएसटी को ट्रांसफर करना होता है अपने वॉलेट के अंदर। दो टाइप की वॉलेट होते हैं, एक स्पेंडिंग वॉलेट होता है, एक नॉर्मल वॉलेट होता है। तो स्पेंडिंग से हम लोग अपने नॉर्मल वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर पे दबाइए। अब यहाँ पे नॉर्मल वॉलेट का मेरे को पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने पासवर्ड अपना डाल दिया है नॉर्मल वॉलेट का। अभी क्या है कि ये पूछेगा कि कौन सी चीज को आपको ट्रांसफर करना है। यहाँ ऊपर असेट लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जीएसटी को मुझे ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑल का बटन है, तो ऑल दबा दूंगा तो जितनी भी जीएसटी है वो सारी मेरी ट्रांसफर हो जाएगी मेरे वॉलेट में। कोई भी चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सेफ है। कन्फर्म ट्रांसफर हम लोग यहाँ पे दबा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ चार्ज भी ये लोग कट आउट करते हैं। आप कितना भी ट्रांसफर करिए, ये आपकी फीस इतनी पड़ेगी पड़ेगी, तो इसकी ज्यादा चिंता ना करिएगा, ये सब बहुत ही छोटा सा चार्ज है। तो अभी यहाँ पे कुछ समय के लिए देखिए, यहाँ से आपकी जीएसटी कट गई है, यहाँ पेंडिंग का सेक्शन आ गया है। अब ये जो पेंडिंग का सेक्शन है, ये टाइम टू टाइम वैरी करता है। कई बार मेरे में एक मिनट में ही पेंडिंग सक्सेसफुल हो जाता है, कई बार 5 मिनट, कई बार 10 मिनट, कई बार 20-25 आधा घंटा भी लग जाता है। बट ये पेंडिंग आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी 101% गारंटी और होके ही रहेगा। तो बिल्कुल डरिएगा नहीं कि भाई यार ये पेंडिंग में ही पड़ा है, हो सकता है कहीं अगर आपको एक दिन भी लग गया तो भी आप डर के मारे ये मत सोचें कि मेरा पैसा फंस गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है इनके सर्वर में दिक्कत हो, बट एक दिन नहीं लगता है और ये जल्दी से जल्दी आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। स्पेंडिंग में अभी हम लोग है, तो पेंडिंग है, वॉलेट में हम लोग अगर अपने चले जाएं और यहाँ पे चेक करते हैं, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी मेरी और आ भी गई। देख सकते हैं आप लोग 33 यहाँ पे जीएसटी आ चुकी है, और आई होप सो स्पेंडिंग से हट गया होगा। अभी तक ये पेंडिंग में ही पड़ा है, बट मेरे में आ गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 33.17 जीएसटी मेरे पास आ गई है और ये पेंडिंग में है। अब कई बार ये इस टाइप से ग्लिच हो भी जाता है, इससे चिंता ना करिएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास जीएसटी आ चुकी है, ये काफी अच्छी बात है। अब ध्यान से समझिए स्टेप्स क्या क्या है। अब सबसे पहले आपको अपने जीएसटी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रियल डॉलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आपको मैं बताता हूँ। रियल डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए इनके पास एक रियल डॉलर का ही एक क्लोन है, यूएसडीसी क्लोन, इसको आप लोग क्लोन कह सकते हो। दरअसल ये भी एक क्रिप्टो करेंसी टाइप का है जो कि यूएस डॉलर के प्राइस के अराउंड घूमा करता है। ठीक है, तो ये यूएसडीसी है, इसके अंदर आपको जीएसटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कैसे होगा, सबसे पहले आपको ट्रेड पे जाना है। ठीक है, अभी देखिए यूएसडीसी ऊपर है, जीएसटी नीचे है, आपको क्या करना है, जीएसटी को ऊपर लेकर आना है, यूएसडीसी को नीचे लेकर आना है। कैसे लाओगे, यहां से हमें कुछ ऐसी चीज को सिलेक्ट करना है जिससे कि जीएसटी यहां से हट जाए। मैं सोलाना सिलेक्ट करता हूं और ऊपर जीएमटी सिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, दोनों चेंज हो गया। अब मैं यहां पे ऊपर फिर से दबाता हूं, अब देखिए जीएसटी ऊपर आ गया, इसको मैंने दबाया, नीचे देख सकते हैं यूएसडीसी आ गया, इसको दबाया, बूम, बिल्कुल सही से हम लोगों ने कर दिया। हम लोग मैक्स दबा देंगे। अभी ये 33 जीएसटी को जब कन्वर्ट करेगा तो मेरे को मिलेगा $5.66, बस इतना ही प्राइस मिल पाएगा इतने जीएसटी का, क्योंकि जीएसटी का प्राइस बहुत डाउन चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं। अब इसको मैं ट्रेड कर लेता हूँ। ट्रेड करने से आपकी सारी जीएसटी कन्वर्ट हो जाएगी यूएस डॉलर के अंदर। मैंने कन्फर्म किया, देख सकते कन्फर्मिंग यहाँ पे चल रही है, अभी मेरी जीएसटी कन्वर्ट हो रही है मेरी यूएस डॉलर के अंदर। और ट्रेड कंप्लीट, जीएसटी के मेरी देख सकते पूरी गायब और यूएस डॉलर 5, बूम, बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या काम करना है, ये जो हमारा यूएस डॉलर है ना, इसको मुझे ट्रांसफर करना है। अब आप लोग सोचोगे कि यार यूएस डॉलर कहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो मैं इसको ट्रांसफर पे दबाता हूँ। अब यहाँ पे टू एक्सटर्नल के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जहां पे आपको यूएसडीसी भेजना है।
अब एक चीज मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता देना चाह रहा हूँ, आपको उसी एड्रेस को डालना है जो आपके नेटवर्क चेन को मैच करे। अब आप लोग डर गए होंगे कि नेटवर्क चेन क्या है, तो मैं आप लोग को पहले बता रहा हूँ, ये ऐप दो नेटवर्क चेन पे काम करता है, एक सोलाना एक बीएनबी। मैं सोलाना नेटवर्क चेन के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप लोग हो सकता है बीएनबी के ऊपर काम कर रहे हो। आपको कैसे पता करना है कि आप सोलाना के ऊपर हो या बीएनबी के ऊपर हो, आप यहाँ पे चले जाओगे मार्केट प्लेस पे, अगर यहाँ पे आपको SOL सोल दिख रहा है लिखा हुआ, कितना भी सोल हो सोल लिखा है मतलब आपकी नेटवर्क चेन सोलाना है, बिल्कुल बढ़िया। अगर यहाँ पे बीएनबी लिखा है तो बीएनबी है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल क्लियर, सब समझ गए होगे, ठीक है। अब इतना काम तो हो गया, अब दूसरा काम आता है आपका एक दूसरे ऐप का। आप लोग सोचोगे यार ये दूसरा ऐप कौन सा है हमारा, तो ये दूसरा ऐप मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये है बाइनेंस। अब आई होप सो कि आप लोगों को बाइनेंस के बारे में सब कुछ पता होगा, बाइनेंस पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को पहले से क्लियर होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है बाइनेंस ऐप के बारे में तो प्लीज यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए कि बाइनेंस ऐप के ऊपर कैसे अकाउंट बना सकते हैं और कैसे इसके ऊपर अपनी आईडी को अपलोड कर सकते हैं और सक्सेसफुली अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप इसको इन फ्यूचर देख रहे हो वीडियो, आज की तारीख से काफी टाइम बाद देख रहे हो, तो आई बटन के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो सकता है बाइनेंस से रिलेटेड मैंने कोई वीडियो बना दी हो तो यहाँ पे दिख रही होगी, अगर नहीं बनाई है तो यूट्यूब पे जरूर चेक करिए, ठीक है। बाइनेंस पे आने के बाद आपको वॉलेट के ऊपर चले जाना है, वॉलेट के ऊपर जाने के बाद स्पॉट के ऊपर चले जाना है, स्पॉट के ऊपर जाने के बाद यूएसडीसी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यूएसडीसी पे क्लिक करिए और यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, डिपॉजिट। अब डिपॉजिट क्या करना है यूएसडीसी, तो ये आपसे पूछेगा कि भैया जो डिपॉजिट करना चाह रहे हो वो नेटवर्क किस पे बेस है, नेटवर्क गलत डाला तो जो भी पैसा भेजोगे सब गायब हो जाएगा, एक रुपए नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। नेटवर्क बहुत ही जरूरी है सही डालना। बाइनेंस के ऊपर अगर तुम्हारा बना हुआ है बीएनबी तो प्लीज बीएनबी स्मार्ट चेन का यूज करो, अगर आपका सोलाना के ऊपर बना है SOL वाले के ऊपर तो प्लीज सोलाना का यूज करो। तो मेरा सोलाना के ऊपर है तो मैंने सोल लिख दिया, नेटवर्क फिर से चेक कर लो सोलाना, वॉलेट एड्रेस कॉपी किया, बूम, बहुत ही बढ़िया, अभी हमारा काम इतना हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस वॉलेट एड्रेस को पेस्ट कर देना है कहां, यहां, यहां पे आप गए यूएसडीसी के ऊपर, मैंने क्लिक किया, ट्रांसफर पे दबाया, टू एक्सटर्नल दबाया, एड्रेस को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और ऑल दबा दिया, 5 यूएसडीसी मुझे ट्रांसफर करना है, बढ़िया। मैं इसको कंफर्म दबा देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है कि ये देख सकते हैं एक छोटी सी फीस यहाँ पे कटे कुछ सोलाना की, आपके अकाउंट में थोड़ा सा सोलाना पड़ा होना चाहिए। अब आप लोग सोचोगे कि यार सोलाना मैं कैसे खरीद सकता हूँ, मेरे अकाउंट में सोलाना कैसे आएगा, तो यार जब जूते खरीदने के लिए तुमने सोलाना का यूज किया तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि जूते खरीदने के लिए सोलाना का यूज नहीं किया होगा। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन है, सोलाना नहीं पता कि कैसे आप लोगों को इसके अंदर लाना है अभी भी, तो प्लीज एक बार जरा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, कोई वीडियो की लिंक तो नहीं मैं डाल के रखा हूँ, या फिर कमेंट में जाके एक बार प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि भाई आपको इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं डाल दूंगा, बट मैं मान के चलता हूँ आपके पास थोड़ा बहुत सोलाना पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कंफर्म दबा देंगे और मैं अपना यहाँ पे पिन डाल दे रहा हूँ, मैंने डाल दिया और यहाँ से कन्फर्म मैं दबा चुका हूँ, तो मेरा यहाँ पे ट्रांसफर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ ही टाइम लगने वाला है और हमारा ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये ट्रांसफर हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, या देखिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट और ये जीरो हो गया, ठीक है, इतना तो हो गया। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या आया है कि नहीं आया, इसको मैं अब रिफ्रेश कर देता हूँ, इस पे जाके रिफ्रेश करते हैं हम लोग स्पॉट पे और देखते हैं कि क्या हमारे पास यूएस डॉलर पहुंचा है कि नहीं। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे यूएस डॉलर नहीं पहुंचा है, देख पा रहे होगे आप लोग यहाँ पे जीरो का जीरो ही है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कई बार आने में 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है, 5-10 मिनट का टाइम भी लग जाता है, और बस जैसे ही यूएस डॉलर मेरा आता है यहाँ पे तुरंत मैं वीडियो को वापस से रिज्यूम करता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि मात्र 5-10 मिनट लगाए और मेरे पास यहाँ पे यूएसडी वाले में देख सकते हैं 6 आ गया है। अब आप लोग सोचोगे मैंने ट्रांसफर 5 किए थे, 6 कैसे, थोड़ा बहुत मेरे पास पहले से पड़ा था तो 6 आ गया, ओके। अब इसको क्या करना है, बाइनेंस के ऊपर एक रूल है कि अगर यहाँ से यूएस डॉलर में इंडियन रुपीज कन्वर्ट करना है या फिर कोई भी करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक दूसरे करेंसी के अंदर, जिसको कहते हैं हम लोग यूएसडीटी। ये यूएसडीसी है, वो यूएसडीटी होता है, ध्यान से समझ लीजिए, यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है। तो इसके ऊपर ऐसे आप लोग टैप करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, गो टू ट्रेड,
गो टू ट्रेड आ रहा है, आप कोई भी करेंसी आपको कन्वर्ट करनी है उसके ऊपर टैप करोगे, गो टू ट्रेड आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूएसडीसी टू और यूएसडीसी और स्लैश में यूएसडीटी, तो आपको यूएसडीटी के ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। इसके ऊपर टैप किया, बाय लिखा है, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है सेल के ऊपर। यहाँ पे गए, सेल के ऊपर दबाया, बढ़िया। हमको क्या है, यहाँ पे जो 100 लिखा हुआ है 100%, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है, हमको सारे के सारे सेल करने हैं, ठीक है। मैं सेल यूएसडीसी कर दे रहा हूँ, द ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन 10 यूएसडीटी, ओके। अब ये एक बड़ी चीज यहाँ पे फंस गई है कि मतलब 10 यूएसडीटी होने चाहिए, मतलब $10 होने चाहिए, तभी मैं ये सब काम कर पा रहा हूँ। तो मैं अब वीडियो को यहीं पे पॉज कर दे रहा हूँ, बाकी मेरी वीडियो तब बनेगी जब मेरे पास 10 यूएसडीसी हो जाएंगे, तो काफ़ी एम्बेरसिंग है, बट चलिए वीडियो को अब यहीं पर रोक देते हैं। तो आखिरकार आप लोग देख पा रहोगे कि मेरे पास 10 यूएसडीसी हो गए, बहुत ही मुश्किल लगी बट मैंने कर लिया, ठीक है। देख सकते हैं वॉलपेपर भी चेंज हो गया, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि यूएसडीसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने टैप किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं यूएसडीटी से यहाँ पे आ गया इस बार ऑप्शन यूएसडीसी से यूएसडीटी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर मैंने ऐसे टैप किया, ठीक। हमें क्या करना है, सेल करना है, यूएसडीटी में सेल करना है, तो सेल के ऊपर मैंने ऐसे टैप कर दिया 100% पूरे के पूरे, और मैंने सेल यूएसडीसी के ऊपर ऐसे दबा दिया, ठीक है। हमारी जो सेलिंग है वो पूरी पूरी सक्सेसफुल हो गई है, और अब हमें 10 यूएसडीसी के मतलब बदले यूएस डॉलर के बदले यूएसडीटी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ दिखेगा, वॉलेट में अगर आप लोग चले जाओगे तो यहाँ पे यूएसडीसी था। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ से अभी भी मेरे पास यूएसडीसी है, और मैं देख रहा हूँ कि कब यूएसडीसी गायब होगा। ओके, अभी तक गायब नहीं हुआ है फिलहाल। इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ वापस से, और मैं एक बार वापस से सेल करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या वापस से सेल होगा क्या। वैसे मेरे पास 0 हो गए इस वक्त, देख सकते हो आप लोग। तो कई बार अगर आप लोग इस टाइप से ट्रांजेक्शन करते हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार, तो बिल्कुल चिंता ना करना कि यार अभी तक हुआ क्यों नहीं। मैं इसीलिए इस चीज़ को पूरी लाइव तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस होती हैं कभी, वो चीज़ें आप लोगों को ना फेस हो, ठीक है। अभी देख पा रोगे कि यूएसडीसी वाले कॉइन अभी भी मेरे में यहाँ दिखा रहे हैं, बट हम लोग सेल करने जा रहे हैं तो नहीं दिखा रहे, मतलब कि सेल हो चुका है ये कॉइन, बट अभी तक यहाँ पे हमारे में शो नहीं किया, अपडेट नहीं हो पाया। अगर आप लोग इसके ऊपर चले जाओगे, ऐसे मैंने दबाया, और अभी मैं वापस से अगर सेल करना चाहूँ यूएसडीसी को यूएसडीटी में, यहाँ पे देख सकते हैं सेल करना चाहूँ और 100% दबाऊँ, तो मेरे पास 0 अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ध्यान से देखो तो मेरे पास 0 है, तो इसका मतलब है कि सेल तो हो चुका है, बस अभी हमारे में अपडेट होना बाकी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 10 ही दिखा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ जिससे कि यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट हो जाए सारा चीज़, और जैसे ही अपडेट हो जाता है ये, तो मैं वैसे ही वीडियो को रिज्यूम करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यूएसडीटी में कन्वर्ट हो गया है। बट मैं आप लोग को एक खास टिप बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, कि मान लो अगर आप लोगों ने कन्वर्टिंग पे लगाया और अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ, बार बार आपका डॉलर दिखाया ही जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, आप जैसे ही यूएस डॉलर के ऊपर क्लिक करोगे ना, जो आपका कन्वर्ट करने पे आपने लगाया बट कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, क्लिक करोगे तो वहां पे क्या होगा, अवेलेबल बैलेंस तो 0 दिखाएगा, बट अनअवेलेबल बैलेंस में आपका जितना भी आपने कन्वर्ट करने के लिए लगाया होगा दिख रहा होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये इसके ऊपर आई बटन देख रहे हो, इसके ऊपर ऐसे दबा देना, इस टाइप से कुछ आ जाएगा, फिर ये पूछेगा कि व्यू ओपन ऑर्डर्स के लिए, आपको यहाँ पे टैप कर देना है, और यहाँ पे आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो ओपन दिखेगा और अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो आपको उसे कैंसिल करना है और वापस से कन्वर्ट करने के लिए लगाना है और वो हो जाएगा, चिंता ना करो। मैंने भी सेम टू सेम ऐसे किया और मेरा यहाँ से काम हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि मेरे पास यूएसडीटी आ गए हैं 10, बहुत बढ़िया, हमारे पास $10 आ गया, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें अभी मेरे पास स्पॉट वॉलेट में, इसमें 2 टाइप के वॉलेट होते हैं, एक स्पॉट वॉलेट होता है, एक फंडिंग वॉलेट होता है। अभी ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, तो हमें स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर कर देना है। इसे कैसे करोगे आप लोग, चीज इसमें प्रॉब्लम हो रही है, मैं ट्रांसफर ओके, यही देखो, सॉरी कन्फ्यूजन, ट्रांसफर करना है हमें, विड्रॉ डिपॉजिट नहीं, ट्रांसफर करना है। देखो गलतियां इंसान से होती है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, तो गुस्सा ना होना कोई भी। तो BTC USDT के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैक्स दबा दूंगा, सारे USDT मुझे ट्रांसफर करने हैं, बढ़िया।
तो कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, स्पॉट वॉलेट से हम लोग फंडिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं, कंफर्म ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, ट्रांसफर सक्सेसफुल, यहाँ पे यूएसडीटी है और यहाँ से गायब। अब गायब हो गया, अब कहाँ पे आ गया, स्वाइप करूंगा मैं तो यहाँ पे देख पाओगे यूएसडीटी यहाँ पे आ गया हमारे फंडिंग वॉलेट में। इसके ऊपर अब कुछ नहीं आपको करना है, अब आपको क्या करना है, एक बार इसके ऊपर मैं ऐसे टैप अगर करूंगा भी ना तो आप देखो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी आपको ये जो पी टू पी नेटवर्क है इसके ऊपर आपको ऐसे टैप कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो यूएसडीटी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, बाय के सेक्शन पे आप लोगों, आपको क्या करना है, सेल के सेक्शन पे चले जाना है, यूएसडीटी सेल के सेक्शन पे जाना है। और आप लोग कोशिश करना कि ऐसे लोगों को इसको बेचो जो लोग थोड़े जेन्युइन हो। जेन्युइन का क्या मतलब है, यहाँ पे ये लोग देखो क्या क्या एक्सेप्ट करते, IMPS बैंक ट्रांसफर बस करते, मुझे UPI वाला बंदा चाहिए। यहाँ पे देखो 83.80 पैसे का ये सेल कर रहा है और यहाँ पे नीचे कम क्या आ रहा है, बट मुझे UPI वाला बंदा चाहिए और एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि 1000 रुपए को भी से, मतलब 1000 रुपए में भी कन्वर्ट कर दे। अभी आप लोग सोचोगे कि 1000 रुपए में क्या कन्वर्ट, मैं $10 के हिसाब से बता रहा हूँ जो मिनिमम होता है। अभी आप लोग उसको ज्यादा मतलब ना समझो, बस आपको ये कोशिश करनी है, फिल्टर पे जाना, फिल्टर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे INR में तुम लोगों को जानते हो क्या लिख देना है, INR में मैं लिख दे रहा हूँ 500 लिख दे रहा हूँ सबसे मिनिमम पैसा, ठीक है 500 लिखा, इसको मैं थोड़ा सा बैक करके यस कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे अगर फिल्टर में आ जाएगा, यहाँ पे देखो 83.15 पैसे में कोई भी है, 500 से लेकर के 8000 तक की इसकी लिमिट है, ठीक है। पैसे यहाँ पे आपको थोड़े से मतलब रुपए में कन्वर्ट मतलब कम नहीं मिलेंगे, पैसे में कन्वर्ट मिलेंगे, बट कोई नहीं तुम लोग चला लोगे, मुझे पता है पैसे का उतना कोई वो नहीं। देखो 83.09 पैसा हम लोग यहाँ पे जाते हैं, क्यों मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ जबकि ये मुझे ज्यादा दे रहा है पैसा, यहाँ पे कम दे रहा है, बट इसके पास पेटीएम UPI की भी फैसिलिटी है तो मैं इसके ऊपर मतलब चला जाता हूँ, ठीक है। तुम लोग इसको ध्यान से देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी लिमिट सेलेक्ट की, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ $10 किए थे, $10 कितना मुश्किल से बन रहा है, 700 रुपए के आसपास या 800 रुपए के आसपास बन रहा होगा, तो इसकी लिमिट क्या है, 500 रुपए से ये सेल आउट करना शुरू करते हैं, USDT को कन्वर्ट करना शुरू करते हैं और डॉलर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मुझे पता है कि इस जगह पे कंफ्यूजन हो रही होगी, बट तुम लोग बस मेरी कॉपी कर लो, जैसे मैंने कहा वैसे कर लो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग आए, इसके ऊपर आपको सेल के ऊपर दबा देना है और सेल के ऊपर दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बाय क्रिप्टो में USDT क्या है, ऑल मैं सारी सेल कर दूंगा, तो अमाउंट कितना मिलेगा मुझे 831, ठीक है बढ़िया है। सेल विद जीरो फी, इसके ऊपर मैं ऐसे टैप कर दूंगा और यहाँ पे पेमेंट मेथड, सॉरी पेमेंट मेथड अभी नहीं डाला मैंने, पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं ऐड पेटीएम कर देता हूँ, पेटीएम में मुझे ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर अब कैसे मैं डालूँ यार, तो मैं यहाँ पे UPI के ऊपर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके UPI ID मुझे यहाँ पे अपनी डालनी होगी, तो मैं बस UPI ID को कॉपी करके इसके ऊपर डाल देता हूँ, फिर वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने UPI ID ऐड कर दी है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर मैं अगर ऐसे टैप कर देता हूँ तो यहाँ पे UPI ID सेलेक्ट हो जाएगी, सेल विथ जीरो फीस, इसके ऊपर हम ऐसे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है क्रिप्टो रिलीज का। अब आप लोग अपनी क्रिप्टो को तब तक रिलीज ना कीजिएगा जब तक वहां से पैसे आपको मिल ना जाए, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ से मैंने सेलिंग कर दिया है और अब वो जब तक मेरे पास पैसे नहीं भेजेंगे और यहाँ पे पेमेंट रिसीव का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक मैं टैप नहीं करूंगा। ध्यान से आप लोग ये चीज समझ लीजिएगा, कई बार इसी वजह मतलब बहुत लंबा चौड़ा फ्रॉड हो जाता है, तभी मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ और आप लोग भी लाइव देखिए कि कैसे होता है, ठीक है। तो अभी तक मेरे अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं आया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इनसे चैट कर सकता हूँ, मैं चैट पे लिख देता हूँ क्योंकि इंडिया से ही होंगे, तो भाई सेंड करिए, सेंड करो, तो देख सकते हो इस टाइप से आप लोग भी चैट कर सकते हो। मैं यहाँ पे देख सकते हो डोनो, यहाँ पे इन लोगों ने बाइनेंस वालों ने बोला भी है डू नॉट रिलीज द क्रिप्टो विदाउट रिसीविंग द पेमेंट, तो जब तक पेमेंट ना रिसीव हो जाए तब तक क्रिप्टो को रिलीज बिल्कुल ना करें, आपका पैसा आपके पास रहेगा US डॉलर भी मतलब बिल्कुल रिलीज ना करें, USDT जो भी है जो भी कन्वर्ट किया आपने रिलीज ना करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिलीज क्या चीज, रिलीज ना करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट समझने की आपको भी उतनी जरूरत नहीं क्योंकि अभी स्टार्टिंग का फेज है हमारा, तो अभी हम लोग उस चीज के ऊपर नहीं लेते, ठीक है। अभी मैं वेट कर रहा हूं,
तो यहाँ पे देख सकते हैं वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट हो रहा है, वेटिंग का टाइम यहाँ पे खत्म हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी मैं वेट ही कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो मुझे रिप्लाई दे। जब वो मुझे रिप्लाई देंगे तब यहाँ पे पेमेंट रिसीव का ऑप्शन कुछ आएगा और मुझे तब रिलीज करनी है क्रिप्टो को अपने, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ वेट ही कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक की सारी डिटेल आ गई है, मेरी जो टर्म्स पॉलिसीज है। अभी यहाँ पे कुछ तो ऊपर आया है, ओके, वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। तो मैं यहाँ से फिर से इनसे चैट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, सेंड मनी। और मैं इस टाइप से कर रहा हूँ, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि मैं क्या चीजें लिख रहा हूँ। और अभी तक कोई दिखे उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा। उनको मेरे को 831 रुपीस को सेंड करना है, बट वो अभी तक मेरे को सेंड नहीं किए हैं, ठीक है। और जब तक वो सेंड नहीं किए हैं तब तक यहाँ पे पेमेंट रिसीव वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम लोग टैप नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहीं पे मैं वेट कर रहा हूँ, वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट, और मैं खुद इंतजार में लगा हुआ हूँ कि कैसे होगा। तो मैं वेट ही करे जा रहा हूँ इसके लिए, देखते हैं कि कितनी देर में वो मेरे को पेमेंट भेजते हैं या फिर नहीं भेजते हैं। और अगर नहीं हुआ तो कोई चिंता ना करिएगा, अगर आपका पैसा कभी फंसता है बाइनेंस में तो मैं उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी पेमेंट को पूरी तरीके से वापस ले सकते हो बाइनेंस से। और कस्टमर केयर ये देख सकते हैं, बाइनेंस 24/7 यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट भी है, आप लोग जाके इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता ना करिएगा, मैं यहाँ पे चैट करने की फिलहाल अभी कोशिश ही कर रहा हूँ। और मैंने दो बार भेज दिया है, हेलो ब्रो, और मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ मैसेज, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इनसे फिलहाल मैं बात करता हूँ, देखता हूँ कि अगर कुछ हो पाता है इस जगह पे या नहीं, और मैं फिर आपको भी वीडियो रिज्यूम करके अपडेट देता हूँ कि क्या मुझे पेमेंट रिसीव हुई या फिर नहीं। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, क्योंकि एक टाइम होता है, अगर टाइम के अंदर अंदर आदमी ने अपनी क्रिप्टो को रिलीज नहीं किया तो वो चीज ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो उसकी आप लोग बिल्कुल चिंता ना कीजिए कि भाई कैंसिल हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट बैक कर लेना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपको वापस से किसी और को ढूंढना है, बस इतना ही सिंपल सा काम है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वापस से मैं किसी और को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बैंक ट्रांसफर है बट यहाँ पे क्या कहते हैं कम मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 500 की जगह 800 में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ और यस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ खास चेंजेस तो नहीं आए 800 में, तो यहाँ पे चलिए ठीक है, बैंक ट्रांसफर इंडिया एक और यहाँ पे मिल रहा है मेरे को। तो मैं एक बार इसके ऊपर भी टैप करके देख लेता हूँ कि क्या कुछ मिल रहा है कि नहीं मुझे। पेमेंट मेथड ठीक है, बैंक ट्रांसफर मैं कर दे रहा हूँ, इक्विटी ऑल कर दे रहा हूँ मैं, और 832 ठीक है, सेल विद जीरो फीस, इसके ऊपर मैं टैप कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या मतलब ये हमें दे पाते हैं कि नहीं जल्दी सर्विस। तो मैं इनके लिए भी वेट ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेमेंट रिसीव वाला ऑप्शन है ना, ये तभी रिलीज आपका आएगा जब आपके अकाउंट में पैसे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। और जब पेमेंट रिसीव वाला ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद आप लोग क्रिप्टो रिलीज करोगे। तो बाइनेंस वालों ने बहुत अच्छी सिक्योरिटी ले रखी है, मतलब इस चीज के ऊपर कि आपकी असेट 1% भी लॉस में नहीं जाएगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो मैं इनसे फिर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हे सेंड, ओके मनी, और देखते हैं कि मुझे रिप्लाई मिलता है या नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है यहाँ पे, मतलब अप्रॉक्स 1-2 मिनट तक वेट आपको करना पड़ेगा, और 1-2 मिनट के वेट के बाद वो लोग पैसे को रिलीज कर देते हैं, और पैसा रिलीज करने के बाद यहाँ से पेमेंट रिसीव के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या ये जो नए वाले इंसान से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, क्या ये कुछ हमारी मदद कर पाता है कि नहीं, पेमेंट क्या ये हमारे पास भेज पाता है या फिर नहीं, ये चीज़ हम लोगों को इसमें देखनी है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ से मुझे रिप्लाई आया है कि जल्दी रिलीज करना, ठीक है। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, जो क्रिप्टो आप लोग रिलीज करोगे अभी, ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। आप देखिए मैंने लिखा हैलो भाई ऑनलाइन हो या नहीं, तो उसने लिखा जल्दी रिलीज करना, तो इसका मतलब है वो पैसे मेरे पास ट्रांसफर कर रहा होगा और कुछ ही सेकंड्स के अंदर या फिर कुछ ही मिनट्स के अंदर मेरे पास पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बंदा है ये फिलहाल तो ऑनलाइन है ना,
भाई जो लास्ट बंदा था ना वो यार ऑनलाइन ही नहीं था और बहुत प्रॉब्लम, मतलब मैं वेट ही करता रह गया उसका और उसने पैसे नहीं भेजे। बट कम से कम चलो ये भाई ये तो ऑनलाइन है और ये कम से कम मेरे को पैसे शायद सेंड ही कर देगा, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ कि जैसे ये ट्रांजेक्शन। और आप लोग को मैं एक चीज़ खास बता दूँ कि ट्रांजेक्शन जैसे ही होता है आप लोग पहले अपने बैंक अकाउंट में जाइए, पेटीएम जो भी वगैरह वगैरह है उसमें जाके चेक कीजिए कि हाँ भाई पेमेंट मेरी सक्सेसफुल हो गई है या फिर नहीं हुई है, वहाँ बैंक में पैसे आ गए अगर आपको तो आप लोग पेमेंट को यहाँ से रिलीज करना, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल बहुत ही मतलब ज़्यादा ध्यान से रखना, अगर आप लोग ये चीज़ ध्यान से नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपको ही प्रॉब्लम होगी कि आपका जो पैसा है वो फ्रॉड में आ जाएगा और वो मतलब लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी ये सेंड नहीं कर रहे, शायद धीमा है भाई, जल्दी सेंड करो। तो यहाँ मैं मतलब लिख के दे दे रहा हूँ ताकि देखो आप लोगों के लिए ये पूरा कंप्लीट पैकेज बन जा रहा है ट्यूटोरियल का कि आप लोग भी मतलब मेरी तरीके से कर सकते हो। मैं देखो हर एक जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में मैं फंस रहा हूँ ना, मैं वो चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ ताकि अगर आप लोग नए हो, यहाँ पे देख सकते हो 8:32 यहाँ से पेमेंट रिसीव हो गई है अकाउंट नंबर में और ये सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो मेरे पास तो मैसेज आ गया है, तो अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव के ऊपर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहोगे कि मैसेज भी आ गया है और मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे चेक नहीं करूँगा क्यों, आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बाय, आई हैव रिसीव और यहाँ से कन्फर्म मैं कर दूंगा और यहाँ से मैं सेंड कोड कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन नंबर पे कोड आएगा, बस वो कोड को डालना है और मेरी पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वो कोड बस डाल देता हूँ, तो यहाँ आप लोग देख पा रहोगे कि पैसे वहाँ पे हुए वेरिफिकेशन कोड और डाल के मैंने सब कर दिया है और पैसे यहाँ से मेरे पास सेलेक्ट हो गए, ठीक है, और यहाँ से ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप सो कि आप लोगों को पूरा इन डिटेल समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को वो पैसों को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है और कैसे आप लोग भाई अपने स्टेप इन ऐप से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।